गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट इंडियाज बेस्ट जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रामनिवास चौधरी और हमारे साथ है सर, जो कल हमने बीटेक का सॉल्यूशन किया था और वहां पे हमने देखा था कि काफी बच्चों ने अपना सॉल्यूशन मिलाया है। उसके बेस पे कुछ बच्चे हैं जिनके 62 आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके टेक्निकल में सिर्फ 52 आ रहे हैं, कुछ बच्चे जिनके ओवरऑल 80 के आसपास स्कोर आ रहा है, 31 बच्चा वो भी आ रहा है उसको मैंने देखा। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो सेफ स्कोर देखिए। और एक और चीज बता दूं, बीटेक का पेपर डिप्लोमा के पेपर से काफी इजी था। लेवल अगर बात करें तो बीटेक का पेपर डिप्लोमा के पेपर से काफी इजी था, यानी बीटेक का ऐसा पेपर था सर जिसको हम सोल्व कर सकते थे। कम से कम ऐसे सवाल थे कि 10 सवाल ऐसे थे कि जहां पर आपके पास कैलकुलेशन पार्ट था। कैलकुलेशन पार्ट भी अगर आप थोड़ा बहुत प्रयास करो तो आपसे हो जाएगा, बट डिप्लोमा के बारे में तो डिप्लोमा में इतने लंबे हमने किया पूरा सॉल्यूशन। आपको सर इनको सॉल्यूशन भी अपन देंगे। अगर मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको बता दूं तो ये सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ही बहुत लंबे इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन है, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे, हम आपको सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ फॉर्म में देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सारे सॉल्यूशन है। देखो इतने एक एक क्वेश्चन के इतना बड़ा बड़ा बड़े बड़े सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी, हम आपको आंसर बता देंगे यहाँ पे। काफी सर मतलब मुझे लगा कि काफी मतलब बच्चा एक डिप्लोमा लेवल के बच्चे, डिप्लोमा लेवल बच्चों को इस तरह से डिमोडलाइज करना मेरे को सही लगता नहीं है, क्योंकि या तो आप क्लियर लिखो कि भाई इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन देंगे हम, तैयारी करें बच्चों उस हिसाब से। और जब आप डिप्लोमा का बच्चा है तो बीटेक से कम थोड़ा लेवल नीचे, तो आप बीटेक से भी ऊपर चले गए। सवाल ऐसे हैं कि पीके नाग का अनसोल्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो ठीक है, और बच्चा पीके नाग थोड़ी पड़ेगा, और पीके नाग चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के जो समझाता है, पर वो भी अनसोल्ड ऐसा क्वेश्चन जो ईएस मेंस में या आरपीएससी मेंस में आता है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन्होंने दे दिया, इसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कि सर मेरे तो 40 नंबर आ रहे हैं, मेरे 25 नंबर आ रहे हैं, मेरे 45 नंबर आ रहे हैं। भाई देखो पेपर सर अगर इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, और अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो कट ऑफ गिर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन के माहौल में हार्ड और इजी सबके लिए है, तो यहाँ पर कट ऑफ इजी आता तो बढ़ जाती कट ऑफ आपकी 80-90 जाती। इतना पेपर हार्ड आया आपने कंट्रोल किया तो कट ऑफ 50-45 के आसपास रहने वाली इसकी। हाँ नॉन टेक के पोर्शन की बात करता हूँ, नॉन टेक का पोर्शन भी इसका हार्ड आया था, वो ऐसा लग रहा था कि ठीक है आरपीएससी का जो आरएस का एग्जाम है उसके बराबर की नॉन टेक दे रही है, तो ठीक है। अभी जो भी है हो सकता है बोर्ड अपनी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हो। ओवरऑल आपका ये है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि भैया लेवल है ना वो मॉडरेट नहीं, वो हार्ड लेवल, हार्ड लेवल इसका लेवल हार्ड है। हम मॉडरेट भी नहीं कहते तो हार्ड लेवल कहेंगे, तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग सर मुझे लगता है कि डाउन जानी काफी डाउन जाएगी, काफी डाउन जानी चाहिए अगर सब कुछ एज यूजल सही से। हाँ, और बाकी कट ऑफ के एनालिसिस के लिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आपको हर वीडियो में सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल तीनों बताता आ रहा हूँ कि जो भी आपको फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को भरिए। आज से 2 या 3 दिन बाद उस फॉर्म का जो रिजल्ट है उसके बेस से हम एक वीडियो लेके आएंगे सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल में कि कौन सी ब्रांच में कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, वो उसी के बेस पे आएगा। तो आपका डेटा ही हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करेगा। अगर आपने सही डेटा फिल करते हैं तो आपको जो एनालिसिस है वो सही मिलेगा, गलत फिल करते हैं तो आपको उसका एनालिसिस थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाए। आपके जो भी आप डेटा दोगे उसी के बेस पे बताया जाएगा कि भैया बच्चों के इस तरह से नंबर आ रहे हैं, तो आप उससे अपना क्या कर सकते हो कि पता कर सकते हो यार अपन कितना अप्रोच में है जो टॉप कैटेगरी में जा रहे हैं, तो वहां से सर स्टार्ट करें। बिल्कुल हाँ सर, एक और चीज है जैसे यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल 80 सवाल है, तो हमने 80 के 80 सवालों का सोल्यूशन किया है भाई। ऐसा नहीं है कि बाकी जैसे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसके अंदर ठीक है 500 जैसे मान लो उसकी 10 सवाल किया, फिर 11-12 छोड़ के सीधा 15 पे आ गए, फिर 25 सवाल किया 5 छोड़ के फिर 35 पे आ गए। हमने सारा यहाँ पे किया तो है, स्किप जैसा कोई सवाल नहीं है। अगर कहीं स्किप करेंगे तो हम उसका रीजन देके वैलिड रीजन देके बोलेंगे कि हाँ ये हम इस वजह से स्किप किया जा रहा है, इस वजह से स्किप कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर कोई सवाल स्किप नहीं है। सभी क्वेश्चंस का आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर किसी क्वेश्चन को सिर्फ टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको कल संडे है, मंडे तक या मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे तक आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल में सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप उन सॉल्यूशंस को आप वहां से भी देख सकते हैं भाई। बिल्कुल शुरू करें सर। बिल्कुल चलिए सर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टॉम से जायरोस्कोप से, इफ द एयर सॉरी ओके इफ द एयर स्क्रू ऑफ एन एरोप्लेन ठीक है एरोप्लेन रोटेट क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द रेयर ठीक है अपन रेयर से देख रहे हैं एंड टेक अ राइट टर्न लेंगे तो भैया ओमेगा पी आ जाएगा आपके पास, तो जायरोस्कोपिक इधर आ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा। तो मैंने केस करवाए हुए हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो टेल है ना वो राइज कर जाएगा और जो आपका नोज है ना वो डिप्रेस कर जाएगा। ये मैंने सारे केस आपको बताए हुए हैं क्लास में, तो इसका आंसर आपके पास क्या जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन सर। 122 का सॉल्यूशन पहले बच्चों के वापस दिखा देना चाहूंगा। बच्चों को दिखा दो। देखिए ये सॉल्यूशन इसका, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन मैं आपके सामने करूंगा नहीं, देखिए आप देख लीजिए आराम से, ये इसका सॉल्यूशन है।
तो इतना बड़ा सॉल्यूशन मैं आपके सामने करूंगा नहीं बोर्ड पे, तो कम से कम यहाँ से दो तरह के सवाल पूछता है आपसे, हो सकता है एफिशिएंसी पूछ ले या फिर हो सकता है आपसे यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछे। मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ पूछा हुआ है डीजल इंजन का या डीजल साइकिल का, तो सर इसका पूरा सॉल्यूशन अपन ने किया था, इसका आंसर क्या आंसर जो था 13.5 बार आ रहा था, तो एक्सपेक्ट जो आपका एप्रोक्सीमेट आंसर है वो आपका 13.4 बार आ रहा है सर। 4 बार आ रहा है जी सर, और काफी लेंथी एक प्रॉब्लम रहा है ये सर की, सर ने पूरा किया इसे उस अकॉर्डिंग। चलिए सर 123 फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, जो आपकी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है उसके मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट के लिए आपसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में रिलेशन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि अगर आपको मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए तो मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट के जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो क्या मिलेगा, T1 इंटू में T2 मिलता है यहाँ पे, यानी यहाँ पर जो रिलेशन मिलता है वो मिलता है कि T1 इंटू में T3, मतलब टी आपका T2 निकाल लो या फिर T4, जैसे T2 निकाल लो या फिर T4 निकाल लो, क्या T1 इंटू में T3। तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन बी ज्योमेट्रिक मीन, क्या है ये, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, बॉम्बे ज्योमेट्रिक मीन हो गया, रूट x1 x2 जो होगा वो आपके पास ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन होता तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता, मतलब t1 प्लस t2 बाई 2 होता। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं सर 124 अगेन काफी लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा काफी है, इसका सॉल्यूशन भी आपको सबके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि किस तरह से आ रहे हैं तो आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं। हमने पूरा सॉल्व करके इसको निकाला था सर, कितना आ रहा था यहाँ पे पूछा क्या है इन्होंने वो देख लो एक बार। यहाँ पूछा है कि द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज, अगर CO2 का डिफ्यूजन पूछेगा तो वो आएगा 3.5 इंटू में 10^-6 kg/s, और अगर यहाँ पे N2 का डिफ्यूजन पूछ ले वो N2 मिक्सर में, अगर N2 का डिफ्यूजन पूछ ले तो N2 का जो डिफ्यूजन आ रहा है वो आ रहा है आपका 2.23 इंटू में 10^-6 kg/s। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से केलकटा है, इसका केलकटा होना चाहिए जी सर। क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 125 गवर्नर से रिलेटेड है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम स्पीड अगर कांस्टेंट है तो फॉर ऑल रेडाई ऑफ रोटेशन, सभी रेडाई ऑफ रोटेशन के लिए आपके क्या कर दिया इन्होंने, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, तो ऐसे गवर्नर को अपन कौन सा गवर्नर बोलते हैं, तो बिल्कुल आइसोक्रोनस गवर्नर इसे बोला जाता है। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको ज्यादा नहीं करता। 126 में आई थिंक सर कुछ लॉजिक था। हाँ, ये तो है कि आपसे पूछा गया है A series of normal flat vanes are mounted on the periphery of a wheel, the vane speed being V, for maximum efficiency of speed of the liquid jet striking the vane should be, यहाँ पे relation पूछा गया है कि जो आपकी vane speed है, एक आपकी जो vane speed है और एक आपकी जो jet speed है, उन दोनों में relation आपके पास क्या होता है। अगर relation की बात करें तो for maximum efficiency, यहाँ लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं कि maximum से, ये रहे देखो, for maximum efficiency, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या होती है, वो होती है आपकी यू अपॉन वी इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से जब आप फाइंड आउट करेंगे कि वी की वैल्यू क्या आएगी, तो वी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू में यू। तो यहां पे वी क्या है, यहां पे वी क्या है, वी है आपकी क्या, जेट की स्पीड। वी मैंने क्या माना है यहां पर, जेट की स्पीड, और यू क्या माना है मैंने यहां पे, यू है मेरी जो भी आपकी ब्लेड है, ब्लेड की स्पीड या फिर वेन की स्पीड। तो ये हो गया आपकी क्या, वेन की स्पीड। यहां से कंफ्यूज मत होना कि यहां पे यू या वी माना, मैं ये वो कंसर्न समझा रहा हूं किताब के हिसाब से। अब यहां देख लो क्या माना इन्होंने, जेट स्ट्राइकिंग द वेन शुड बी, जो भी आपका जेट है, वाटर का जेट है, लेट सपोज मान लीजिए ये जेट है, तो यहां से जेट मान लीजिए 100 की स्पीड से जा रहा है, तो कोई भी जेट की स्पीड अगर 100 है तो कभी ब्लेड को वो 200 भी रोटेट करा पाएगा क्या? आप खुद सोचो, प्रैक्टिकल सोचो कि यहां पर अगर जेट की स्पीड 100 है तो क्या ये इस जो वेन है या जो रोटर है इसको क्या 200 पे रोटेट करा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ, एक तो वाटर लॉस हो जाएगा, फिर इसका कुछ फ्रिक्शन लॉस होगा, तो वेलोसिटी आपको 100 से क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी। अगर 100 से कम मिलेगी तो यहां पर जो जेट की स्पीड है और जो आपके वेन की स्पीड है, उन दोनों में रिलेशन ही होता है कि जेट की स्पीड जो है वो वेन की स्पीड से क्या होती है, 2 गुना होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहां मैंने आपको समझा भी दिया है भाई। चलिए नेक्स्ट वन सर, कार्बोरेशन इज द अप्लाइड, कार्बोरेशन किससे, पेट्रोल और पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है सबसे पहले वो पेट्रोल को क्या कर दिया जाता है, एटोमाइज कर दिया जाता है, उसके बाद वो पेट्रोल जाके किस पे, एयर, जो एयर होगा वो मिक्स हो जाएगा अंदर। तो ये आपके पास इसका तो सिंपल सा है, इसमें ज्यादा तो था ही नहीं, ए ऑप्शन चला जाएगा आपके पास,
इसके बाद आ जाते हैं अपन 127 हो गया आई थिंक, 128 आएगा, 128, तो 128 सर अगेन वही आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे पूछा गया आपसे, यहाँ से आपसे पूछा गया व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 50% ऑफ रेटेड लोड। तो जो करेक्ट आंसर इसका निकल के आया वो क्या है, 66%। डिटेल सॉल्यूशन अगेन आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ के अंदर जी सर। चलिए 129, इफ द एंड्स ऑफ द बॉडी इज इल्ड, आई थिंक सर ये दोनों एंड से फिक्स है। हाँ, दोनों एंड से फिक्स है सर। तो अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्मल स्ट्रेसेस, इफ द एंड ऑफ द बॉडी इल्ड, इल्ड करेगी मतलब ये आपका इलोंगेट करेगा, तो इलोंगेट करेगा इसमें, तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा थर्मल स्ट्रेसेस का वो क्या हो जाने वाला है, तो देखो थर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आपका सर इंक्रीज हो जाने वाला है, क्योंकि दोनों तरह से क्या इल्डिंग है, सपोर्ट है, ठीक है, इल्ड सपोर्ट है। क्वेश्चन 130 सर। अगेन वही क्वेश्चन नंबर 130 में क्या पूछा आपसे, ए कैंटिलीवर बीम हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड ए इज सब्जेक्टेड टू एन एंड लोड, इफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 19% देन द टिप डिफ्लेक्शन। अब आप डिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो डिफ्लेक्शन जो है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें यहाँ पे स्क्वायर के लिए तो क्या जाएगा वो ए 4/12, यानी यहां से मुझे पता लगा कि डिफ्लेक्शन इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/(a^4). ए की जो डायमेंशन है वो कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, वो 19%। अगर यहाँ पे 19% इंक्रीज करेगा तो डिफ्लेक्शन जो डिक्रीज है वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज होता है, यहाँ से वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कि 50% जो है यहाँ पर आपको डिक्रीज मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 131, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए थिन सिलेंडर सेल ऑफ डायमीटर डी, लेंथ दे रखा है, सब्जेक्ट इंटरनल प्रेशर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस दे रखी, तो पीडी बाई 2t हो जाने वाला है। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल पूछता तो पीडी बाई 40 हो जाता, टॉ मैक्सिमम पूछता पीडी बाई 80 हो जाता, सारे आंसर तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 131 के बाद 132। देखिए, व्हेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ टर्बाइन आर सुटेड फॉर टाइडल पावर प्लांट। अब आपको नहीं पता, मान लीजिए आपको नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको ये तो पता है कि हम कौन कौन से टर्बाइन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पेल्टनविल टर्बाइन, फिर पढ़ते हैं फ्रांसिस, फिर पढ़ते हैं कापलन और फिर प्रोपेलर। हम चार ही टर्बाइन पढ़ते हैं और चारों टर्बाइन आपके नॉर्मल टर्बाइन है, टाइडल टर्बाइन नहीं है। इन चारों नाम के अलावा अगर कोई आता है तो क्या है, वही आंसर है। तो फ्रांसिस यहाँ पर होना नहीं है क्योंकि फ्रांसिस हम पढ़ते हैं, कापलन यहाँ पे होना नहीं है क्योंकि कापलन हम पढ़ते हैं, तो जो नहीं है उसके अलावा आंसर क्या मिलेगा आपको, डेली। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, 1 and 3 डेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 सर, द डायमीटर ऑफ फिक्स्ड रेम, कल किया था हमने ये, जब अगर किसी ने आप लोगों ने देखा हो तो बीटेक का एनालिसिस देखा, वहां भी सेम था कि यहाँ पे हमने देखा था कि द डायमीटर ऑफ फिक्स्ड रेम एंड फिक्स्ड सिलेंडर ऑफ एन इंटेंसिफायर आर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इफ द प्रेशर ऑफ द वाटर सप्लाई टू द फिक्स्ड सिलेंडर इज 300 N/cm², फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द फिक्स्ड रेम। यानी यहाँ पे आपको पता करना है कि P1 × में A1 बराबर P2 × में A2, जिसको सोल्व करेंगे यहां से क्या आएगा, P1 × में D1 की पावर 2 एरिया इक्वल्स टू P2 × में D2 की पावर 2। जब इसको आप सोल्व करेंगे यहां से तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है यहां से, क्वेश्चन नंबर 133 में आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1875। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको यहां से, डेली इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए 134 सर जी, 134 ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें वो नहीं था, आप डाइट कर सकते थे। 135 भी सर सिंपल क्वेश्चन है, एजिंग ऑफ पाइप इंप्लाइज, जो पाइप में एजिंग ऑप्शन है वो क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट रफनेस इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम। यानी पाइप में समय के साथ चाहे वो केविटेशन के कारण या किसी और फैक्टर के कारण जो भी रफनेस प्रोड्यूस होती चली जाती है, वही रफनेस का फिनोमेना क्या बनता है आपका यहाँ पे, एजिंग ऑफ पाइप। बेल्ट का क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट आपको करनी है तो आपके पास जो टेंशन होती है वो 3 times of TC होता है, तो 3 times of TC यानी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो आंसर इसका डी जाएगा, इज द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑप्शन डी, सॉरी ये हो जाएगा इसका, ये तो डायरेक्ट हो जाता है, और टीसी की वैल्यू आप 3 MV² कर सकते थे, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137, ये भी एक सर सिंपल, ये डिप्लोमा है, ये वाकई लेवल, ये लेवल डिप्लोमा है, ये लेवल डिप्लोमा है, यहाँ पर ये लेवल डिप्लोमा है, ये सारे यहाँ पे ये सारे डिप्लोमा लेवल के, लेकिन ठीक है कुछ क्वेश्चन नहीं है तो उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ वाटर कितना होता है 10.3 मीटर, यही अगर मर्करी के टर्म में पूछता तो आपका लो हो जाता, हाँ कम हो जाता। क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 138 सर, 138 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एक एक स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन आर इंस्टेंटेनियस लाइन, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस लाइन है। पाथ लाइंस एंड स्ट्रीक लाइंस आर जनरेटेड बाय द पासेज ऑफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। पाथ लाइन कैन बी फाउंड, पाथ लाइन कैन बी फाउंड बाय टाइम एक्सपोजर ऑफ ए मार्क्ड पार्टिकल, टाइम एक्सपोजर ऑफ ए मार्क्ड पार्टिकल, तो ये भी क्या है आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकल इन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो में क्या होती है ये आइडेंटिकल है, तो यहां पर क्या आपके चारों ही ऑप्शन सही है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर मिलेगा क्या मिलेगा आपका बॉम्बे मिलने वाला, इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट करिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्ड पार्टिकल का मतलब क्या है कि डाई लगा के पर उसको उसके हाँ। पीछे पीछे फॉलो करना है, फॉलो करना उसको, जगह जगह फॉलो करना उसको। रेफ्रिजरेटर इज रिमूविंग हीट फ्रॉम ए कोल्ड मीडियम ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस, लोअर टेम्परेचर है, रेट जो है वो दे रखी है आपको 7200 किलो जूल पर आवर, रिजेक्टिंग द हीट टू ए मीडियम ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर है। इफ द सीओपी, सीओपी आपको यहां से दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है पावर कंजम्पशन बाय द रेफ्रिजरेंट, तो सीओपी क्या होता है, सीओपी इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क डन, या फिर यहां पे आ जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन में पावर। तो यहां इस फॉर्मुले से आप इजिली आराम से, कोई इसमें लोड नहीं है, आप आराम से इजिली यहां पर इसको सोल्व कर सकते हैं और जो करेक्ट आंसर आपको यहां से मिलने वाला है वो करेक्ट आंसर मिलेगा 1 किलो वॉट पावर। तो यहां से जो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको आगरा मिलने वाला है, आगरा मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 140 हाइड्रोलिक कपलिंग के बारे में सर ये पूछ रहा है। हाँ देखिए हाइड्रोलिक कपलिंग सिंपल सा है, हाइड्रोलिक कपलिंग का काम क्या है, कनेक्ट टू शाफ्ट रोटेटिंग सेम स्पीड, कोई भी दो शाफ्ट सेम स्पीड से अगर रोटेट कर रही है तो उनको कनेक्ट करने काम आती है कौन, हाइड्रोलिक कपलिंग। तो यहां पर देख लीजिए क्या आ रहा है, कनेक्ट टू शाफ्ट रोटेटिंग एट द अबाउट सेम स्पीड, यही क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोलिक कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 141 प्राइम सर्कल और केम, ये केम जब भी अपन पढ़ते हैं तो केम की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, तो केम की टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, जैसे केम है ये आपका, इसके अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, तो जो ये स्मॉलेस्ट सर्कल है ना ये, इसे हम प्राइम सर्कल बोलते हैं, तो स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन टू द पिच कर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ केम, ठीक है। उसके बाद आप एक ये वाला भी बना लेते, ये वाला इस यहां से ये स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, ये प्राइम सर्कल हो जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर ए जाएगा आपके पास। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन 142 द कंप्रेसर इन मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विल बी आइसोथर्मल, जो भी आपका कंप्रेसर में मल्टी स्टेज कंप्रेशन कह दो चाहे सिंगल स्टेज में कह दो, एयर का जो कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल होगा, कब, जब वहां पर आपके पास मिलेगी परफेक्ट इंटरकूलिंग प्रोवाइडेड। तो जब भी आपके पास परफेक्ट इंटरकूलिंग दी जाएगी तब आपको क्या मिलता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, किसमें, एयर कंप्रेशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा डेली। क्वेश्चन नंबर 143 बट्रेस थ्रेड हमेशा किसके लिए पावर पावर को किस डायरेक्शन में करती है, तो भैया एक डायरेक्शन में आपका कौन करता है बट्रेस थ्रेड करता है, इसका यही स्पेसिफिकेशन है कि जब भी आपको एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करवानी है तो जो थ्रेड्स यूज की जाती है वो होती है अपने पास बट्रेस थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर द कंट्रोल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन को कंट्रोल करने की कौन सी टेक्निक है, थ्रोटल कंट्रोल कर सकते हैं, क्लीयरेंस कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लोइंग एयर टू वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा वो कैलकुलेटर मिलेगा, कि हम तीनों ही मेथड से यहां पर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर मिला है वो क्या मिलेगा कैलकुलेटर 1, 2 एंड 3 आपके इसका करेक्ट आंसर है भाई। 140 फिर न्यूमेरिकल आ गया, हां अब देखो 145 देख लो, चाहे तुम 146 देख लो, चाहे तुम 147 देख लो, यहाँ पर लगातार न्यूमेरिकल है, तो हम एक बार इसका आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इन एन ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 9:1 दिया हुआ है, आर दिया हुआ आपके यहाँ कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 9:1 दिया हुआ है, एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर 8 द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस इज आपको P1 T1 दिया हुआ है, कितना P1 दिया हुआ है और T1 दिया हुआ है, द हीट एडिशन बाय द कंबशन गिव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर, आपको यहां से हाईएस्ट टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी टी मैक्स आपको यहां पर दिया हुआ है,
आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक हीट एडेड बाय द कन्वेंशन, जिसको सोल्व करेंगे आंसर मिलेगा 1.303 मेगा जूल पर केजी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, हाँ, 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 93 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट एज ए 0.264 किलो जूल पर केजी केल्विन, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बिकम 1.18 फॉर द गैस एंड हीट ट्रांसफर इज 160 किलो जूल। पूछा गया आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसका करेक्ट आंसर हमें यहां से मिलता है बॉम्बे 200 किलो जूल पर केजी। देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि यहां हम नहीं करा सकते, यहां भी करा सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे कराने का मतलब है कि आपके बाकी क्वेश्चंस में डिले और वीडियो को 1 घंटे से 3 घंटे तक ले जाना। आपका अभी जो प्राइमरी मोटो हम समझ रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि आप अपने क्वेश्चंस को लगाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, जो हम पीडीएफ आपको देने वाले हैं उस पीडीएफ में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, वापस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पीडीएफ समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया, इसका वीडियो बना दो या फिर ये क्वेश्चन समझ में आया आप हमें समझा दो, तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। सर, प्राइमरी क्या बच्चों का यही होता है कि हमें आंसर मिल जाए, आंसर मिल जाए कि हमारा आंसर सही है या सही है या गलत। और अगर आप फिर भी उसको अगर आप वो करना चाहते हो सर पूरा सॉल्यूशन, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपको सारा का सारा मिल जाएगा। या हम चाहते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन का आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 147, सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 50 mm डायमीटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर इफ द शेयर स्ट्रेस इज नॉट, ये कल बीटेक में भी आया था सर, ये सिंपल सा फार्मूला, फॉर्म का सिंपल सा सवाल है कि 16t अपॉन पाई टी क्यूब, आप यहां से लगा दो टो मैक्सिमम हो गया, टो मैक्सिमम बस क्या निकालना है सर, यहां इसमें निकालना है अपन को कि टॉर्क देख के टॉर्क निकालना है, तो आप टॉर्क निकालो आराम से मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो बस ये सर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो है ही सर, इसमें बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये कैलकुलेशन है, आप इसमें सारे डाटा दे रखे हैं, पुट करो आंसर, करेक्ट आंसर आएगा आपको मिलेगा कैलकटा, कैलकटा सी आंसर मिल रहा है इसका आपका। जी आगे चलिए, आगे देखते हैं 148। देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका मशीन ड्राइंग का है, मशीन डिजाइन में भी आपको देखने को मिलेगा, बस ज्यादातर मशीन ड्राइंग में मिलते हैं जब अपन ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ देखो क्या पूछा है कि व्हेन वन गिब इज यूज इन ए गिब एंड क्वार्टर जॉइंट देन द विड्थ ऑफ द गिब शुड बी, तो विड्थ ऑफ द गिब पूछा है तो उसका आंसर तो ये होगा, इसमें दो चीजें होती है, विड्थ ऑफ द गिब हो गई और एक होता है विड्थ ऑफ क्वार्टर। अब इसने जो भी पूछा उसका आंसर आपको करना है, यहाँ पूछा है आपको विड्थ ऑफ गिब का पूछा है तो आंसर इसका बी जाएगा, अगर क्वार्टर का पूछता तो आंसर कहा जाता आपका डी जाता। सर कहाँ से आया भैया ये, आपको जब आप मशीन ड्राइंग देखोगे जब क्वार्टर जॉइंट का, तो वहां आपको ये डाटा सारे देखने को मिलेंगे, मतलब डाटा बेस क्वेश्चन है। 140 सर क्वेश्चन 149, ए 4-stroke डीजल इंजन व्हेन रनिंग एट 2000 RPM, तो यहाँ पे आपको एन दिया हुआ है एंड इंजेक्टिंग ऑफ ड्यूरेशन 1.52 milliseconds, तो टाइम दिया हुआ है, व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन ऑफ क्रैंक एंगल इन डिग्री, सिंपल सा सवाल है, इसमें तो कुछ खास ही नहीं। क्या होता है यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू या टी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 6n, टी दिया हुआ है एन दिया हुआ, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको थीटा मिल जाएगा, और जो थीटा मिलेगा वही क्या किया आपसे यहाँ से पूछा गया है, कौन सा सवाल है आपका 149, तो 149 का जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 18.24 डिग्री, इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा 18.24 डिग्री, सी आंसर इसका, सी आंसर है। चलिए 150, हाँ, ए डीजल इंजन हैज कंप्रेसर रेशियो ऑफ 14, तो यहाँ पे कंप्रेसर रेशियो दिया हुआ आपको एंड कट ऑफ टेक प्लेस एट 6% ऑफ द स्ट्रोक, यानी कट ऑफ जो है वो क्या है 6% ऑफ स्ट्रोक, मतलब क्या आ जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है वही स्ट्रोक कहलाएगा, तो स्वेप्ट वॉल्यूम का क्या है ये 6% है यहाँ पे, ये द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है किसके लिए डीजल इंजन के लिए, और जब फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 60.5%, तो यहां पर इतना आसान नहीं है कि सॉल्यूशन लगा के आंसर मिल जाएगा, आपको पहले कट ऑफ रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना यहां से कट ऑफ रेशियो आने वाला है, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, काफी कैलकुलेटिव, मतलब बच्चों ने, मुझे लगता है सर फॉर्मूला लगाने के बाद ही बच्चे सोचेंगे हम करें या नहीं करें, आगे ये बात है। 151, द लेंथ ऑफ द क्वार्टर इन अ स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट इज टेकन एज है, देखो यार इसका डायरेक्ट आंसर 4D आएगा जो हमने देखा है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई कैलकुलेटिव है, ये फैक्ट है जो अपन को यहाँ डायरेक्ट लगाना है। 151 का डी ऑप्शन 4D। सर क्वेश्चन नंबर 152 बताइए सर, 152 में इसने पूछा है द स्टेट ऑफ प्योर सीयर, प्योर सीयर का स्टेट किससे प्रोड्यूस होगा, तो भैया देखो प्योर सीयर
गाइस जो प्योर शियर आता है ना वो आता है प्योर टॉर्शन में. प्योर टॉर्शन में तो पहला ये कह रहा है कि आपने इक्वल और इक्वल आपने कपल लगा दिया, टॉर्क लगा दिया, तो अब जो भी एलिमेंट अपन को यहाँ मिलेगा ना इस पे, उसके किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो आपको प्योर शियर का एलिमेंट दिखाई देगा. बाकी किसी में ऐसा ऑप्शन है नहीं. सब में एक्सियल है ना, इक्वल टेंशन एक्सियल लोड कैंसिल, इक्वल टेंशन एक्सियल लोड कैंसिल, इक्वल कंप्रेशन एक्सियल लोड कैंसिल. एक्सियल से तो कभी शियर बनता ही नहीं है, प्योर शियर बनता है. नेगलिजिबिलिटी यहां पे आपके पास ए जाने वाला है. चलिए सर क्वेश्चन नंबर 153, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी इतना वो नहीं था. ये सिंपल था कि द फॉर पाइप अरेंजमेंट इन पैरेलल, पाइप के दो अरेंजमेंट है, यहां पैरेलल का पूछा है, तो ये पाइप और अगर सभी पाइप की बात करें तो ही जो हेड लॉस है वो क्या रहेगा, सभी पाइप में बराबर रहने वाला है, तो यहाँ पे हेड लॉस फॉर वन बराबर हेड लॉस फॉर टू बराबर हेड लॉस फॉर थ्री. तो पूछ क्या रहा है आपसे, द फ्लो डिक्रीज, फ्लो मस्ट बी सेम इन ऑल पाइप, द हेड लॉस अक्रॉस ईच ऑफ द पाइप मस्ट बी सेम, द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ. ये गलत है भाई, पर यूनिट लेंथ नहीं होता, पूरे के पूरे पाइप के लिए क्या रहेगा, हेड लॉस आपका सेम रहने वाला है. तो करेक्ट आंसर जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा कलकत्ता. चलिए 154, देखिए सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सवाल है. यहाँ अगर बात करें तो कह रहा है कि ए इफ मर्करी इन बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, द हाइट ऑफ 3.75 मर्करी विल बी देन द इक्वल टू हाउ मच ऑफ वाटर. अगर हम यहां से वाटर की बात करें तो देखिए मर्करी के लिए क्या जाएगा, 0.76 मीटर ऑफ एच जी इक्वल टू किसके बराबर है, आपका 10.3 मीटर ऑफ वाटर के बराबर. ये लिखा यहाँ से आपको पता है ये स्टैंडर्ड है भाई, मर्करी में नाप लो चाहे इसके, मान लो ये क्या है, एक आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. ये कह रहे कि नहीं 0.76 नहीं, आप 3.75 बताओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा. अगर बात करें यहाँ से तो 1 मीटर ऑफ एच जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10.3 अपॉन में 0.76 ऑफ वाटर. अब अगर आपसे बोला नहीं 1 नहीं मुझे कितना चाहिए 3.75, तो अगर वो आपसे 3.75 की बात कर ले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम 3.75 से, और आपको क्या मिलेगा आंसर, करेक्ट आंसर मिलेगा. तो जब इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 51 सेंटीमीटर. तो बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें लॉजिक है नहीं, ऐसा जरूर डिप्लोमा कह सकते हैं अपन कि हाँ पॉसिबल. यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है ना, इसलिए हाँ. सर ने वो सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर में आंसर यहाँ भी सेंटी में आ रहा है, बिल्कुल. तो उसका वो जाने वाला है. सर कौन सा था क्वेश्चन, ओके 155. देखो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल पूछा है, सब कुछ आपको दे रखा है, स्केल की किसका, तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल आपको एक फॉर्मूला लगाना था, आप जानते हो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एक्स वाई, सब कुछ दे रखा है. आप इसको यहाँ लिख दो, सिग्मा एक्स आपको दे रखा है 10, सिग्मा वाई आपको दे रखा है 40 डिवाइड बाई टू इसका स्क्वायर, और टो आपको दे रखा है 40 का स्क्वायर. तो देखो भैया ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास 30 डिवाइड बाई टू 15, तो ये आपके पास हो गया 30, ओके 30 डिवाइड बाई टू, और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा डिवाइड बाई टू का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एक्स वाई, तो यहाँ से 15 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा ना उसमें क्या है कि एक सेंटीमीटर कितने के बराबर माना है, 10 के बराबर, तो यहाँ आंसर आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला आपको ये यूज करना है और आपका आंसर यहाँ से 5 सेंटीमीटर. बस यही है कि जितना भी आएगा, आई थिंक यहाँ 50 आएगा इसका आंसर, ये 50 आएगा आई थिंक. अगर 50 आएगा तो एक सेंटीमीटर 10 के इक्वल है, तो 50 किसके इक्वल, 5 के इक्वल हो जाएगा इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 156, देखिए द फ्लो एनर्जी ऑफ 0.124 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ ए फ्लूड क्रॉसिंग ए बाउंड्री टू ए सिस्टम ऑफ 80 किलोवाट. अब बाउंड्री क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, क्रॉसिंग ए बाउंड्री मतलब कैसा हो गया, ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम के लिए जो आपका वर्क डन होता है या फ्लो वर्क डन इसको बोलते हैं, फ्लो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा पी इंटू में वी. वी कितना दिया हुआ आपको, वी दिया हुआ है 0.124 और वर्क डन आपको कितना दिया, यहाँ से दिया हुआ है 18 किलोवाट. तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, प्रेशर निकालोगे, जो भी आएगा वो प्रेशर आंसर है, कितना आएगा 8709 किलो पास्कल. 157 सर डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट है. फ्लूइड रोटेट लाइक अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट विद इन द एलिमेंट, द प्रेशर आपको, प्रेशर मतलब आपको दे रखा है एक तरह का, ये वन यूनिट है मतलब सब जैसा, तो इसका तो मोर सर्कल ही पॉइंट बनता है. तो ये हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन वाला केस हो गया. तो इसका तो रेडियस कितना, जीरो हो जाएगा, पॉइंट की कोई रेडियस होती नहीं, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल रेडियस होती नहीं, तो जीरो. घुमा के पूछा सर, अच्छा सवाल है ये.
सर ऐसे ऐसे क्या है कि अगर बुक में देखेंगे ना अपनी, तो बुक में ऐसे दो चार क्वेश्चन मिले होंगे, आराम से मिलते हैं सर। तो अपनी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो बच्चा अगर उस बुक को निकाला होगा तो जरूर उसने क्वेश्चन नंबर 150। द फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये सर बहुत अच्छा सवाल है, ये मुझे अच्छा लगा ये सवाल। देखिए इसमें क्या है, द फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक डिवाइस इज एनालॉगस, मतलब सिमिलर है किस किस के, द फ्लाई व्हील के और ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड इलेक्ट्रिक स्टोरेज एनर्जी का, यानी ऐसी इनमें से कौन सी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिलता है क्या मिलता है आपका, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर ही है जो एनर्जी को स्टोर करता है किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो क्या मिलना है आपको, तेलकटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बताइए सर आप। सर ये तो डायरेक्ट ही डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही हो जाने वाला, अगर आप सेम इक्वल कंप्रेशन रेशियो और है कि जब कंप्रेशन रेशियो आपको इक्वल दिया हुआ हो, यहाँ से हो जाता है कि जब कंप्रेशन रेशियो आपको इक्वल दिया हुआ हो तो उस केस में जो आपके पास एफिशिएंसी का ऑर्डर है वो क्या रहता है कि ऑटो की सबसे ज्यादा, ड्यूल तो हमेशा बीच में रहता ही रहता है बेचारा, और लास्ट में क्या बचेगा आपका, डीजल। तो करेक्ट आंसर जो मिलेगा इस सवाल का, क्या मिलेगा आपको, बॉम्बे। चलिए क्वेश्चन नंबर 160। देखिए ये स्टैंडर्ड सवाल है, लार्जेस्ट पॉसिबल सेक्शन ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म कितना मिलता है आपको, 7 edges मिलेंगे लार्जेस्ट पॉसिबल सेक्शन किसमें, पेंटागोनल में। सर ये क्वेश्चन आई थिंक मशीन ड्राइंग का है, हाँ, है ना, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सवाल है सर, बिल्कुल मशीन ड्राइंग का एक स्टैंडर्ड सवाल। ये अगला भी क्या है स्टैंडर्ड आपका, देखो पाइवट बेरिंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए काम आता है, यह आता है आपका वर्टिकल शाफ्ट के लिए, जितनी भी वर्टिकल शाफ्ट है उनके लिए पाइवट बेरिंग आता है, और अपन साइज को देखते भी है जब फुट बेरिंग में, हां तो एक एग्जांपल इसका ही होता है, तो ये वर्टिकल शाफ्ट के लिए जनरली यूज, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर, 162। देखिए इतना बड़ा सवाल है, अगेन ये क्वेश्चन जो है ये वहीं से ही है जहां से बीटेक का आया था, बीटेक में अगर आपको याद हो आपने देखा हो तो यहाँ पे था कि क्यू इक्वल्स टू सी डी इंटू में A1 A2 A1 इंटू में A2 इंटू में अंडर रूट 2GH अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर का रूट। तो ये एक हमारे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, इसी के बेस पे आपको CD दिया हुआ है, A1 A2 मतलब डायमीटर या A1 A2 आपको दिया हुआ है, आपको H दिया हुआ है, तो आपको मिलना क्या है यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा, जो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, 68.21। अगेन मानता हूँ लेंथी सवाल है, बड़ा ठीक है, फिर भी फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की नीड नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 163। से देखिए ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है ना, तो ये मेरे को लगा कि ये ऑटोकैड का प्रॉपर लग रहा है और ना ही ये मशीन डिजाइन का प्रॉपर लग रहा है, तो मैं हालांकि इसका आंसर कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका आंसर कोट करने से बचना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि ये सवाल ही कन्फ्यूजिंग है सर, कन्फ्यूजिंग। इसमें आप अगर बात करें इंक्लाइनेट 55 डिग्री, तो ऑटोकैड बोलता है ए है, और मशीन डिजाइन की बात करें तो मशीन डिजाइन बोलता है सी है, क्योंकि 55 55 है। तो यहाँ पर मैं इसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो कोट करने से बचना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल है जहां पर आंसर मालूम होने के बावजूद भी हम उसको कोट करने से बच रहे हैं, रीजन क्या है कि कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर दो या दो से अधिक आंसर आपको मिलने की पॉसिबिलिटी। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में दिया है वो देखने लायक होगा जब आपकी आंसर की बोर्ड से आएगी तब। क्वेश्चन नंबर 164 देखो, ए पॉइंट ऑन द केएम पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, जहां मैक्सिमम प्रेशर एंगल होता है ना पिच कर्व पे, उस पॉइंट को अपन पिच पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिंपल सा, बिल्कुल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आए, आपने टर्मिनोलॉजी जो मैंने पढ़ाया था, तो टर्मिनोलॉजी सारी टर्मिनोलॉजी में यही पढ़ा था, दो क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से मिले हैं अभी तक, तो सिंपल है सर। क्वेश्चन 165 आई थिंक सिंपल एक डायरेक्ट, वाटर ट्यूब बॉयलर ऐसे हैं जो हाई प्रेशर हाई आउटपुट है, पता है वाटर ट्यूब का फायदा यही है कि यहाँ पर आप वाटर को कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, कितना भी आउटपुट ले सकते हैं, तो वाटर ट्यूब बॉयलर का सबसे जो करेक्ट आंसर हो क्या मिलेगा यहाँ से, बॉम्बे मिलने वाला है। 166 स्केल कमांड इज यूज, स्केल कमांड इज यूज, ऑटोकैड का सवाल है कि स्केल कमांड क्या काम आती है, वो काम आती है हमारे इंक्रीज डिक्रीज द साइज ऑफ ड्रॉइंग टू एनी वैल्यू ऑफ द स्केल फैक्टर, की किसी भी स्केल फैक्टर की वैल्यू तक उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए इसका काम आता है भाई। 167 का आंसर डी होगा, पर ये P1 की जगह रोवन होगा, हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग एरर, या फिर ये टाइपिंग एरर हो सकता है उनका, या उनको मानना हो कि भाई मैं इन्होंने डेंसिटी को P1 से डिनोट किया, कोई वो नहीं, डेंसिटी को P1 से कर रहे हो, बाकी मुझे लगता है टाइपिंग एरर है, और बच्चे को थोड़ा सा ये देखना चाहिए था कि इसमें देखो ये हो सकता था कि आप A लगा के आ जाओ जल्दबाजी में, पर P2 A2 V1 नहीं होगा, V2 होगा, यहाँ बस यहाँ सारा का सारा सब ऑर्डर में, तो अपन जानते हैं रो AV कांस्टेंट होता है, बस वहां से आप करो डी आंसर। अगर ये इनकंप्रेसिबल होता तो आंसर बॉम्बे होता सर, हाँ इनकंप्रेसिबल होता फिर तो बॉम्बे होता, तो यहाँ इनकंप्रेसिबल तो बॉम्बे होता फिर आपका। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 168 सर, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप से देखिए
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेसिप्रोकेटिंग पंप. देखिए, फ्रिक्शनल लॉसेस आर मैक्सिमम एट द मिडल ऑफ स्ट्रोक. बिल्कुल, रेसिप्रोकेटिंग पंप में मिड में फ्रिक्शनल लॉसेस मैक्सिमम. मैक्सिमम इनर्शिया इफेक्ट अकर इन प्लेन विथ जीरो फ्रिक्शनल लॉसेस. यस, करेक्ट आंसर जो है ये स्टेटमेंट है. नेगेटिव स्लिप में अकर व्हेन द डिलीवरी हेड इज हाई. हाई नहीं, वेरी लो, इतना लो कि वाटर निकले तुरंत चला जाए, वाटर निकले तुरंत चला जाए, तो स्टेटमेंट थ्री जो है वो क्या है, रॉन्ग है आपका. अगर स्टेटमेंट थ्री रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर क्या मिला आपको, कैलकटा. यहाँ जो करेक्ट आंसर है क्या मिलेगा आपका, कैलकटा मिलने वाला है भाई. बिल्कुल सर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ये भी. इन स्प्लिट मफ कपलिंग, जिसने स्प्लिट मफ कपलिंग पढ़ा होगा उसके पता होगा कि द नंबर ऑफ बोल्ट हमेशा कितने होते हैं, या फोर होते हैं, सिक्स नहीं होते हैं, कितना होता है, फोर होता है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि देखो ये कोई इसमें मतलब कोई लॉ मतलब कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक तरीके से, काफी कम बच्चे कर पाते हैं. सर क्वेश्चन नंबर 170 आप बताइए सर. इन अ सॉलिड फ्लेंज कपलिंग, वापस वही एक सॉलिड फ्लेंज जो कपलिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपकी शाफ्ट और कपलिंग एक साथ फिक्स होती है, तो इंटरगल पार्ट होता है आपके पास, तो इंटरगल देखो यहाँ पे, आई थिंक बी आंसर, इंटरगल विद द शाफ्ट. ओके, इंटरगल एक ही, हाँ यस, इंटरगल विद द शाफ्ट. क्वेश्चन नंबर 171. ए फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर डीजल इंजन रनिंग एट 1200 आरपीएम डेवलप 70 किलोवाट पावर गिवन सम टाइप ऑफ पैरामीटर. कैलकुलेट ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इन बार. ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इन बार का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू में, यानी ब्रेक पावर की बात करें, ब्रेक पावर होता है पी इंटू में ए इंटू में एल इंटू में के अपॉन में 120. यानी यहाँ जो फॉर्मूला मिला है ब्रेक पावर का वो क्या मिलता है, या ब्रेक वर्क डन कह दो उसका, मिलता है पी इंटू में ए इंटू में एल इंटू में एन इंटू में के अपॉन 120. तो यहाँ पर आप इसको एन से मल्टीप्लाई और कर सकते हैं. के क्या है यहाँ पे, के है आपके पास नंबर ऑफ सिलेंडर. एन क्या है आपके पास, एन है आपका आरपीएम. अगर फोर स्ट्रोक है तो नीचे टू आएगा, तो टू इंटू में 60 120 हो गया. तो यहाँ पर फोर स्ट्रोक है, अगर फोर स्ट्रोक यहाँ पर दिया है इन्होंने, तो ये रहा फोर स्ट्रोक लिखा है यहाँ पे, फोर स्ट्रोक, तो सारी वैल्यू दी हुई आपको. यहाँ से पूछा क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर पावर दिया, ब्रेक पावर आपका 70 किलोवाट, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको निकालना है, एरिया आप निकाल सकते हैं, एल आपको दिया हुआ है, एन क्या आपको दिए हुए हैं, के क्या आपको दिए, सारी वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां से आपको करेक्ट आंसर मिलेगा किसके लिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए, वो आएगा 8.25. तो यहां जो बार में मीन इफेक्टिव प्रेशर आ रहा है वो कितना रहा है, 8.25 बार. बच्चे से प्लांक करके भी याद करते हैं, PLPLN/120. हां बिल्कुल याद आया कुछ. क्वेश्चन नंबर 170, ये कल जैसा ही क्वेश्चन, कल सेम वही है सर, कल बस ये लिखा होता है कि कन्वर्ट डायरेक्ट लिक्विड टू वेपर. आज लिखा हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द टेम्परेचर एट विच इट लिक्विफिकेशन जस्ट स्टार्ट. तो जहां पर ये तुरंत स्टार्ट होते किसी में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, वही क्या बन जाता है आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर. चलिए 173 की बात करें. देखो बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोड लगा रखा है पी. अब ये देख लेना क्या लगा, एल बाई थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट से आपका लगा रखा है, तो ये आपका यहाँ लगा रहेगा पी. ठीक है, एल बाई थर्ड, ये हो गया 2L/3. आपसे पूछा है कि बेंडिंग मूवमेंट बताना है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे, यहाँ पे. तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, ये रिएक्शंस निकालो आप. तो रिएक्शंस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, लोड कितना पी टोटल लेंथ एल, और इसके अपोजिट लेंथ हो गया एल बाई थर्ड, तो ये हो गया आपके पास पी बाई थर्ड. आपको यहाँ चाहिए बेंडिंग मूवमेंट, तो पी बाई थर्ड लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी बाई थर्ड इंटू 2L/3, तो ये आ गया 2PL/9. तो आंसर देखो 2PL/9, तो बी आंसर. अगेन वही न्यूमेरिकल पेंटन व्हील का पावर आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 686.7 किलोवाट. डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिलेगा भाई. चलिए 175 बताइए सर. 175 आपका, अकॉर्डिंग टू, ये तो बिल्कुल थ्योरम है, कैनेडी थ्योरम है, जो ये क्या कहती है भैया, आपके पास स्ट्रेट लाइन में होंगे जो तीनों बॉडी होगी वो किसमें होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी, तो आपका यहाँ आंसर बी जाने वाला है. ये कोई कैनेडी जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग आपका यही होता है कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर्स होते हैं थ्री बॉडी के, वो कहाँ लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन में लाई करने वाले होते हैं. क्वेश्चन नंबर 176 का क्वेश्चन में ये क्या है, द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स इज मिनिमम. रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स मिनिमम कब होता है, ये भी मैंने लिखा, जब सी की वैल्यू, सी आपके पास यही होता है, सी होता है मिनिमम इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन व्हेन द पार्ट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मासेस बैलेंस बाय द रोटेटिंग मासेस 2/3 आंसर आएगा. अपन इसका पूरा डेरिवेशन करके निकालते हैं, तो इसका आंसर आता है 2/3 आपके पास. सर क्वेश्चन नंबर 177, एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग मेड ऑफ 10 mm डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ आपको,
वायर हैज 15 कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल दी हुई है आपको, 100 mm मीन डायमीटर, कैपिटल डायमीटर दिया हुआ आपको यहां से, द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू ए एक्सेल लोड ऑफ, एक्सेल लोड दिया आपको WFP, कैलकुलेट द स्टिफनेस, स्टिफनेस जो आपको कैलकुलेट करना है, स्टिफनेस क्या होता है, जी इंटू में डी फोर अपॉन 8 इंटू में डी क्यूब इंटू में एन, सारी वैल्यू आपको दी हुई है, जी कहाँ है, ये जो वैल्यू है यही आपको जी है, जिसको सी से भी डिनोट करते हैं, सारी वैल्यू दी हुई यहां से, जब इसको आप सोल्व करेंगे यहां पे तो करेक्ट आंसर मिलेगा 6.802 न्यूटन पर mm, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या मिलेगा आपको, बॉम्बे मिलने वाला है 178 का सर आंसर अपन ने देखा काफी रिसर्च हाँ, किया था, तो अपने पास जो आंसर आ रहा था वो 85 और 15 आ रहा था हाँ, पर क्या है कि ये रेशियो कंप्रेशन रेशियो के साथ क्या होता है बदलता रहता है, जो कंप्रेशन रेशियो के साथ ये दोनों डाटा आपके क्या होते हैं बदलते रहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पे ना बी लगा सकते हैं एक्चुअली हाँ, जो होता है वो 86% ऑफ कार्बन और 14% ऑफ हाइड्रोजन H2 होता है, बट इसके बेस पे भी ठीक है ज्यादा वेरिएशन नहीं है, करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से, बॉम्बे मिलने वाला है सर, पर सर ये रफली पूछ रहा है ऐसे भी हाँ, वैसे भी रफली पूछ रहा है, ये भी सही है हाँ, ये आंसर दे सकते हैं, बाकी ये रेशियो आपका कंप्रेशन रेशियो के साथ बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 179 सेंट्रीफ्यूगल पंप है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनमें से क्या क्या एडवांटेज, ध्यान से देखो, इनिशियल कॉस्ट होनी चाहिए भैया, पैसा तो कम लगे उतना अच्छी बात है, कॉम्पैक्ट ऑक्यूपाई लेस फ्लोर जगह, मेरे घर पे जगह ही नहीं है, जितनी कम जगह में पंप रख सकूं उतना बढ़िया बात है, इजिली हैंडलिंग, अब इसमें क्या है, ये तो सारे करेक्ट है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल अगर आप नहीं पढ़ के जाओ तो भी इसका आंसर दे दोगे, तो ये करेक्ट आंसर क्या है आपका, डेली रहेगा, द 10-10-10 ऑप्शन इन सर्किल कमांड इज अवेलेबल 8 कमांड लाइन में हो सकता है, यस, मीन मेन्यू बार इज ग्रेटर देन ड्रॉ सर्किल, यस, ड्रॉ टूल बार इज ग्रेटर देन सर्किल, यस, यहाँ जो करेक्ट है क्या मिलेगा आपका, डी है इसका, तीनों ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन के लिए जो है ये एग्जैक्टली आपका राइट है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, इफिशियंसी ऑफ द स्क्रू जैक मैक्सिमम कब होती है भैया, जब एल्फा आपके पास 45-5/2, ये आंसर आपका सी होने वाला है, आपने सी लगाया होगा, मुझे कुछ डाउट ये लगता है कि लड़के प्लस लगाया था, प्लस मत लगाना या माइनस लगने वाला था। क्वेश्चन नंबर 182 है, तो व्हिच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कह रहा है कि रेट ऑफ हीट एक्सचेंज नाजीना, एंट्रोपी नाजीना, इंटरनल एनर्जी यस, एंथैल्पी यस, कैसे, एच इक्वल्स टू यू प्लस के पी वी, यू आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, पी बराबर एमआरटी, तो ये भी आइसोथर्मल है, तो आपकी जो एंथैल्पी वो भी क्या हो जाएगी आइसोथर्मल, तो मेरे हिसाब से इसका सी और डी दोनों ही क्या आपके करेक्ट आंसर है सर। ओके ओके सर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 183 हाँ, चेजी कोएफिशिएंट सी इज रिलेटेड टू मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, ये एक्चुअली हमारा है ही नहीं सर, ये एक्चुअली हमारे मैकेनिकल इंजीनियर का है नहीं, सिविल के अंदर पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर ये सवाल पूछता है कई बार एसएससी वगैरह में पूछते रहते हैं, अक्सर क्या है कि अपने बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मिसलेनियस डालते हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि पूछता रहता है, तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, सी इक्वल टू 1/n गामा एम या वाई एम की पावर 1/6, इसका जो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, बॉम्बे मिलेगा भाई। देखिए ये आ गया बैलेंसिंग से, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटिंग मासेस द मिनिमम नंबर ऑफ बैलेंस मासेस, एक मास को अगर आपको बैलेंस, एक रोटेटिंग मास को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो डिफरेंट प्लेन में, तो अपन को 2 मास की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसी प्लेन में करना चाहते हो सिंगल को तो 1 मास की, तो यहाँ क्या है डिफरेंट प्लेन है, तो रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस इन ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, अलग प्लेन हो गया मतलब दूसरा अलग, उसी में अगर होता तो एक का रिक्वायरमेंट होता, अगर 2 डिफरेंट प्लेन हो गए तो 2 का रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ आंसर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया था ये 185 सर, इन यूनिलेटरल सिस्टम में क्या होता है भैया, ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होती है ना, वो दोनों जो आपका ये जीरो साइज होगा, आप ये बोलो जिसे अपन नॉमिनल साइज बोल सकते हैं, कि नॉमिनल साइज के एक साइड होगी, जैसे ये दोनों कोई ये आपके पास है, तो इसका लोअर लिमिट भी और इसका अपर लिमिट भी दोनों इस नॉमिनल साइज के एक साइड है, नीचे भी हो सकता था, ये आपसे पूछे भैया ये किस टाइप की आपके पास सिस्टम है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल, तो ये भी यूनिलेटरल एक साइड, लेकिन ऐसा आ जाता तो ये क्या है, अपर लिमिट आपका ऊपर जा रहा है और लोअर लिमिट आपका नीचे जा रहा है नॉमिनल साइज से, तो यहाँ पे आपका ये इसमें यही ओके वेरी गुड यही होगा नॉमिनल ना, बी आंसर ही होने वाला है। Which is not the part of quarter joint. तो यही बात है कि quarter joint का इनमें से कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती, कॉलर होता है बिल्कुल, स्पाइगोड भी होता है, स्पॉकेट भी होता है, तो बचा क्या फ्रॉग,
तो बिल्कुल फ्रॉक एंड इसमें क्वार्टर जॉइंट में आपके पास नहीं होता। अब आप बोलोगे सर कहाँ मिलेगा, तो मशीन डिजाइन में मिलेगा। डिजाइन वाला मशीन डिजाइन में भी देख सकते हो और मशीन ड्राइंग में भी देख सकते हो, दोनों में ये चीज आने वाली। देखो क्वेश्चन नंबर 187, बच्चा अगर इसने गियर पढ़ा होगा तो गियर के चार टाइप तो वो पढ़ता ही है, ठीक है, सिंपल गियर, ट्रेन आपका, उसके बाद कंपाउंड गियर, रिवेटेड गियर ट्रेन, फिर इपीसाइकिल। इपीसाइकिल में क्या होता है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। तो यही पूछ रहा है, ए गियर ट्रेन इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द गियर एक्सिस इज इन द मोशन रिलेटेड टू द फ्रेम इज नॉन एज द इपीसाइकिल गियर ट्रेन। ही आ जाएगा आपके पास, कल आया था सर क्वेश्चन हेक्सागोनल नट वाला, इसका आंसर कल अपन ने बताया था बच्चों को, ए आंसर लगाना था इसका 1.5D+3। क्वेश्चन नंबर 189 सर, ए स्ट्रट इज मेड ऑफ ए बार ऑफ सर्कुलर सेक्शन एंड 5 मीटर लॉन्ग व्हिच पिन जॉइंट एट बोथ एंड, बोथ दोनों एंड से क्या है, पिन जॉइंट मतलब सिंपली सपोर्टेड है। व्हेन द बार इज यूज्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम, लिख भी दिया है, एट मिड स्पान डिफ्लेक्शन ऑफ 10 mm। तो यहां पर अगर बात करें कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मिड पर डिफ्लेक्शन वो कितना होता है, तो डिफ्लेक्शन हमारे पास मिलेगा यहां से W इंटू में L क्यूब अपॉन में 48 E इंटू में I। डिफ्लेक्शन आपको यहां से दिया हुआ है, ठीक है, आपको लोड यहां पे दिया हुआ है, लेंथ यहां पे दिया हुआ है, तो यहां से मैं फाइंड आउट कर लूंगा किसको, ई आई की वैल्यू, यानी यहां से हम पहले बात फाइंड आउट करेंगे इसकी ई आई की वैल्यू। अब देखो क्या पूछा है, ऑफ ए लोड द क्रिटिकल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, क्रिटिकल लोड आपसे पूछा है, क्रिटिकल लोड क्या होता है भाई, क्रिटिकल लोड यानी पी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू में ई इंटू में आई मिनी अपॉन में आपका एल इफेक्टिव का स्क्वायर। दोनों एंड अगर सपोर्टेड है तो दोनों एंड सपोर्टेड है यानी पिन जॉइंट है दोनों एंड से, तो इफेक्टिव लेंथ आप निकाल लोगे आराम से, पाई आपको पता ही है, पूछा क्या आपसे क्रिटिकल लोड, ई आई हमारे पास नहीं था, तो ई आई जो मैंने यहां से निकाला था उसको क्या करूंगा मैं यहां पे पुट करूंगा और यहां से निकालूंगा क्या क्रिटिकल लोड की वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो आने वाली है क्या मिलेगी 1029 न्यूटन, यानी यहां से जो करेक्ट आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा मेरे को, कैलकटा यहां से करेक्ट आंसर मिलेगा। सर इसका कैलकुलेशन कैसा था, लेंथी था या लेंथी है, लेंथी कैलकुलेशन था, तो बच्चों को फॉर्मूले आते हुए भी उनके आई थिंक आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगा या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है सर ये हो जाएगा पर काफी टाइम कंज्यूमिंग। अगला सवाल है ये सिंपल सा, इसमें फॉर्मूला बेस आप एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाओ तो यहां से आराम से इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा क्या मिलेगा आपका 2000 kg/h, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं, ये आपका आराम से हो जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 191 अगेन स्टैंडर्ड सवाल है ये, तो अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है तो आप बता पाओगे, नहीं तो भैया फायर ट्यूब बॉयलर में कितनी ट्यूब होती है किसको पता है, ये कह रहा है 24 हीटेड ट्यूब्स होती है किसको पता है, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है, डेटाबेस सवाल है, हो सकता है आपसे हो भी हो या ना भी हो, तो अगर आपने कहीं देखा है तो ही आप ये सवाल सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज इसमें लॉजिक जैसा कुछ भी नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 192 किसका है, देखें जरा सर, प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इन आइसोमेट्रिक पोजीशन द लेंथ और विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन एट 30° टू द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, यानी यहां जो करेक्ट आंसर मिलने वाला क्या मिलेगा आपको 30°, इसका जो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको डेली, इसका करेक्ट आंसर 192 का। जी सर बताइए आगे। 193 देखिए, आइडेंटिफाई द जॉइंट कपलिंग टू बी यूज फॉर कनेक्टिंग द पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड इन द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में अपन पिस्टन रॉड और जो क्रॉस हेड होता है ना अपने पास, जो क्रॉस हेड होता है अपने पास, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए किस टाइप का अपन जॉइंट यूज करते हैं, तो उसमें तो आपका क्वार्टर जॉइंट आता है, उसमें तो कौन सा जॉइंट आता है, क्वार्टर जॉइंट। ये भी एक मतलब एग्जांपल है क्वार्टर क्वार्टर जॉइंट का, जो अपन एप्लीकेशन देखेंगे उसमें ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 194 Which of these is not a correct statement in context of SI engine? SI engine मतलब बात कर रहा है किसकी? पेट्रोल इंजन की, यानी पेट्रोल इंजन के तो कौन सा गलत है? ये कह रहा है कि लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, पहला ही गलत है भाई, आगे पढ़ लेंगे लेकिन पहले आंसर गलत है कि लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन SI इंजन के लिए नहीं होता है। SI इंजन के लिए डीजल की तुलना में क्या होता है, ये हाई वैल्यू होती है, लो वेट सब जानते हैं सही है, लेस क्रैंकिंग एफर्ट सब जानते हैं इजीली स्टार्ट होता सही है, लो इनिशियल कोस्ट सब जानते हैं डीजल की तुलना में क्या है थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो 194 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिलेगा आपको, आगरा मिलेगा, यहां से जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको आगरा, इसका करेक्ट आंसर है। सर डीजल बल्की भी होता है ना, बल्की होता है, हेवी होता है, हेवी होता है, उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा ज्यादा पड़ता है, इनिशियल कॉस्ट उसकी ज्यादा ज्यादा ही पड़ेगी, उसकी ज्यादा पड़ेगी इसकी कंपनी, सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 195 On the free surface of a body of liquid resting inside an open container, a constant shear force is applied. Which one of the following event is most unlikely? Unlikely मतलब इनमें से कौन सा नहीं होगा
देख ले होने की संभावना सबसे कम है या संभावना नहीं है, यानी जब आप किसी भी एक खुले कंटेनर में जब जो लिक्विड है उस पर शेयर फोर्स लगाते हैं इनमें से क्या नहीं होगा, द लिक्विड रिमेन एट रेस्ट, ये नहीं होगा भैया, लिक्विड कभी भी रेस्ट पर नहीं होगा। और पूछा भी आपसे नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा इसका, आगरा। अभी तक आगे पढ़ लीजिए, ए लिक्विड फ्लो पैटर्न डेवलप इनसाइड द कंटेनर, गलत है बिल्कुल। द लिक्विड चेंज इट्स शेप, गलत है बिल्कुल। क्यों, मतलब सही स्टेटमेंट, ये पूरा नहीं होगा, ऐसा तो होगा, ऐसा भी होगा। द लिक्विड डिफॉर्म कंटिन्यूसली, ये भी होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिलेगा आपको, आगरा यहां से मिलेगा 195। ऐसे सवाल बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं सर, यहाँ पर नहीं है पूछने या अनयूजुअल कह रहे, बच्चा क्या कि उसको उल्टी साइड ले जाता है, हाँ, अपोजिट साइड ले जाता है। हमारा माइंड इस तरह से ट्रेंड है कि कौन सा होगा, क्या होता है, कैसे होता है। वो जैसे बी पड़ेगा वो सी डी तो पड़ेगा ही नहीं, वो बी लगा देगा, हाँ। उसको ये पता नहीं कि सी यू डी बी हो सकता है, ऐसा कुछ हो बिल्कुल सर। सर क्वेश्चन नंबर 196 ऑर्डिनेट पूछा, बस जिसको पता हो लगा देगा। मॉलर डायग्राम सबको पता होगा, पर ये ऑर्डिनेट समझना, आपको ये बताइए ऑर्डिनेट होगा क्या, कौन सी एक्सिस, ये एस सबको पता है कि एचएस होता है, एचएस डायग्राम या मॉलर डायग्राम होता है, लेकिन इसका ऑर्डिनेट, अब ऑर्डिनेट का सर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो है आपके पास ऑर्डिनेट, वाई पे क्या है एंथैल्पी, तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, आगरा मिल गया। जिसको पता है वो लगा देगा, जिसको नहीं पता 197 सर, 198 डे। एक डीजल इंजन 4 किलोवाट विकसित करता है, इसकी संकेतिक तापीय दक्षता 30% है और यांत्रिक दक्षता 80% है। यदि इंजन की कैलोरीफिक वैल्यू 42,000 केजी पर किलो जूल पर केजी है तो इंजन की खपत जो होगी किलो पर घंटे में कितनी होगी। यहां जो करेक्ट आंसर सोल्व किया हमें मिला है वो मिलता है डी 1.42 किलो जूल पर हावर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेली है सर। बिल्कुल, चलिए आगे बताइए सर आप। सर क्वेश्चन नंबर 198 में बता देता हूँ जी, कॉलम का क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, सब जानते हैं कि लेंथ एल दे रखा है लेकिन दोनों एंड से क्या है फिक्स है, तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, अपन जानते हैं L/2 हो जाती है, तो L/2 का मतलब आ गया इसका आंसर ए, इसमें इतना नहीं है। स्प्रिंग मास सिस्टम है, द मास ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम हाफ, और तो फ्रिक्वेंसी बराबर अपन जानते हैं 2π√KM। अब ये के को कितना कर रहा है, ये स्प्रिंग स्टिफनेस को तो डबल कर रहा है, तो इसको तो आपको डबल कर दिया इसने, ठीक है 2K कर लिया, और मास को हाफ कर दिया इसने, आई थिंक का लिखा हुआ था ये, द मास ऑफ द सिस्टम मेड हाफ, हाफ कर दिया M/2, तो भैया ये हो गया अंदर 4 बन जाएगा आपके पास अंदर, तो 4K/M, तो ये 4 बार आएगा तो 2, तो डबल हो जाएगा, प्रीवियस फ्रिक्वेंसी से कैसे हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ बी। और क्वेश्चन नंबर 200 पीवी डायग्राम आपको दे रखा है, आपको पता करना है, ऑटो साइकिल में हो नहीं सकता क्योंकि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ठीक है। डीजल साइकिल आप ध्यान से देखो, क्या डीजल साइकिल जाएगा का ये, क्योंकि डीजल साइकिल में देखो ये वाला प्रोसेस, यहाँ आपको ये जो दे रखा है पीवी, पी पे आपका वो था, वी पे वो कोता, तो ये इस डीजल भी आपका नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा बी आंसर यहाँ डायरेक्ट। तो सर ये पूरे मतलब सर मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा मतलब लगभग 15 से 20 क्वेश्चन में पूरा न्यूमेरिकल दिया, और वो भी ऐसा नहीं दिया कि सोल्व ना हो, यहाँ तो अपन हमने खुद ने प्रॉपर सोल्व किया, तो हमने देखा कि इतना लंबे लंबे सोल्व हो रहे हैं, और किस तरह से आपने वहाँ किया होगा, अगर आपकी अप्रोच ये रही होगी कि मुझे ये स्किप करना है, तो आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा, गलती से आप किसी एक क्वेश्चंस पे अटक गए, उसी में लग गए, तो सर फिर टाइम लगता है। और सर ऐसे सवालों में क्या है एक्चुअली अप्रोच ये होनी चाहिए कि पेपर बहुत हार्ड है, तो अब भैया अब स्किप पे चलो क्योंकि किसी से भी नहीं होना, अगर आप जोनटेक में पढ़ के इतने टेस्ट लगा के हम लोगों से पढ़ के अगर आप सवाल सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता नहीं कोई करा पाएगा या कोई कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जब सवाल यहीं से नहीं होते तो कहां से होंगे सर, फिर इतना कुछ पढ़ने के बाद ही बच्चा नहीं कर रहा, इसका मतलब एक ही अप्रोच है भैया पेपर सबके लिए हार्ड है, अपने जितने मिनिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग उतना करो, तो अगर आप इस पेपर में 50-60 के आसपास स्कोर करते हैं अभी तक बिना एनालिसिस को लिए, तो मुझे लगता है सर अच्छा स्कोर है, नो डर, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड है सर। पेपर हार्ड, और ऐसा नहीं, देखो मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा ये मतलब मेरा ये मानना है सर, इतने सारे न्यूमेरिकल, बच्चा किसी न्यूमेरिकल को तो लेके बैठेगा और जहां वो बैठा उसका टाइम चला जाएगा, अगर वो टाइम चला गया तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी छूट जाएंगे। अगर आपने पहले सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो मेरा यही अप्रोच होता है हर एग्जाम में, मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप एक बार थ्रू आउट पूरा पेपर देख लीजिए, आप अगर पूरा पेपर देख लेंगे तो आपको ये आ जाएगा कि यार मैं इतने क्वेश्चंस को पहले बना लेता हूँ, पहले आप सिंपल क्वेश्चंस को सबसे पहले करो, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल मैं देख रहा था कि शुरू में वो क्वेश्चन आ गया था बड़ा सारा न्यूमेरिकल, जिस बच्चे ने उस पर दिमाग खराब हो गया, पहुंच नहीं पाया गया तक, और फिर क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे अभी हमने ये वाला किया था सर ऑर्डिनेट,
अगर आपको ऑर्डिनेट का मीनिंग पता नहीं है तो फिर आप यहाँ इस क्वेश्चन में भी गलती करने के चांस होंगे। आपको पता है HS होता है, कभी एस लगाओगे तो कभी एच लगाओगे, दोनों में से एक तो होना ही होना है, तो इस तरह की गलतियां यहाँ हो सकती थी। सर आप बच्चों को ये बताइए कि बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, जैसे पेपर हो गया। अब देखिए सर आगे तो मतलब ये है कि भाई जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, कम तो सबके आएंगे नोट, ऐसा कोई नहीं है कि जो आप पुराने पैटर्न को देखोगे 120 में से 100 ला रहे हैं 95 ला रहे हैं वो तो भूल जाइए, वो तो डिप्लोमा मैकेनिकल के इस पेपर में किसी के नहीं आने वाले हैं। जिनके मार्क्स आ रहे हैं अभी हम क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस करेंगे उसके बाद पता लगेंगे, जिनके मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर के अंदर 50-60 के आसपास वो मैं मान के चलता हूँ कि हाँ ठीक है उसका अच्छा स्कोर है। उसके बाद अगर बात करें कि अभी क्या करना चाहिए कि पेपर बहुत हार्ड आ रहे हैं, तो पेपर ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड आया तो आगे भी ये पैटर्न फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के पेपर उनको डिजाइन किए जाते हैं या फिर करने पड़ते हैं। अब आगे ऑप्शन अगर बात करें बच्चों के पास, तो देखिए सर दिसंबर में SSC आ रहा है, SSC का पैटर्न सबको पता होता है, उसका पैटर्न में चेंज नहीं होता, तो वो सिंपल था कि न्यूमेरिकल पोर्शन उसका 20% के आसपास वन पहले मीडियम वन लाइन न्यूमेरिकल होता है आराम से हो जाएगा। RRBJEE आ रहा है बच्चों के पास, तो RRBJEE की उसको तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी वैकेंसी है पंचायती राज, तो पंचायती राज उनकी तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। डिप्लोमा लेकर तीन ऑप्शन तो अभी यह है, चौथा MPJEE है जिसके फॉर्म वापस ओपन होंगे, वापस ओपन, तो इन तीनों के बीच और क्लासेस और टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल आप लोग हम लोग तो अवेलेबल है इस चीजों के लिए। देखिए सर का कहना यही है कि आपने ये एग्जाम दे लिया, अब आप बिल्कुल बैठो हुआ तो जो तैयारी आप इस एग्जाम के लिए कर रहे थे उसी पेस से अब आगे बढ़ना स्टार्ट करो। जो गलती आपको लग रही है कि आगे मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, जैसे RRBJEE और SSC JEE, सर ये RRBJEE में जो वैकेंसी जो लगती है ना मुझे वो काफी ज्यादा आएगी, बहुत बल्क, बहुत बल्क में आएगी, तो पंचायत राज बल्क में आएगी पंचायत, तो आप अब उसमें मैकेनिकल कितना था वो देखना पड़ेगा, पर RRBJEE मैकेनिकल तो है ही, RRBJEE में मैकेनिकल ही है, तो आप RRBJEE का क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी, इसी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अब आपको ये भी लग गया है कि मुझे कहाँ का, जैसे न्यूमेरिकल में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल लगाना, न्यूमेरिकल लगाना शुरू करो, है ना सर, यही अपना रहेगा थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, भाई देखो फॉर्मूला फॉर्मूला बेस है सर, ऐसा कोई न्यूमेरिकल एक दो चीजों को छोड़ दो, जहां पर जैसे अगर आप बात करें तो अपने एक न्यूमेरिकल में किया था कि पहले आप ये वाला पहले डेल निकालो, डेल से EI निकालो, EI से यहां रखो, तो ये JEE का न्यूमेरिकल ही नहीं है सर, ये ऐसे को स्किप किया जाता है, आते हुए भी स्किप किया जाता है, हो सकता है सर केल्सी का रिक्वायरमेंट पड़ जाए मुझे, तो टफ ही था सर पेपर तो, इसलिए चलिए सर पेपर तो सर टफ ही निकला है मतलब टोटल मिला के, तो बेस्ट ऑफ लक जिनके जो भी जितने नंबर आ रहे हैं आप हमारे फॉर्म को जो वहाँ पे हमने फिल कर दीजिए उसको फिल कर दीजिए, जिससे हमें ये पता लगे, हम आपको एनालिसिस करते वक्त ये आइडिया दे सके कि कितने बच्चों के नंबर किस कैटेगरी में आ रहे हैं। और सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर बस आज इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं, बाय बाय।